इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर श्री खदान धसने की बड़ी खबर सामने आई है। जगदलपुर के मालेगांव में ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीण इसमें फंसे हुए हैं। 5 की मौत की खबर है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और फंसे हुए मजदूरों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी चल रहा है। 7 लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें से 5 ग्रामीणों की मौत की खबर है। और इस पूरा जो मामला है वो जगदलपुर के मालेगांव का है, जहां पर छुई खदान धंसने की वजह से इसमें जो ग्रामीण हैं वो फंस गए। हालांकि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है कि आखिर कितने लोग अभी भी और बाकी हैं जो कि फंसे हुए हैं। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी प्रदीप कुमार जगदलपुर से। प्रदीप, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के द्वारा, अभी तक कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? जो 5 लोगों के तकरीबन लोगों की मौत बताई जा रही है, क्या ये स्पष्ट आंकड़ा है और कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? जी दीपक, बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर से बड़ी खबर है, लिहाजा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी। 5 की अगर मृत्यु और अस्पताल ले जाते हैं, 2 की और मृत्यु होने की पुष्टि किए हैं, उसमें उस हिसाब से लिहाजा छत्तीसगढ़ के हिसाब से बड़ी खबर है। जगदलपुर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक माल गांव है, वहां पे छुई खदान से संचालित है। तो छुई खदान जो संचालित है, खदान जो एक लीजिंग के हिसाब से रहना चाहिए, और छुई खदान की बात कर रहे हैं, वहाँ ग्रामीण वहां से छुई को जो खदान जो होती है वहां से वो उसको छुई को निकाल उस खदान से निकाल के जो छुई निकलती है उसको अपने घर में और बेचने का भी कुछ काम चलते रहता है। उस परिप्रेक्ष्य से वहां से उन लोग निकाल के ग्रामीण वहां पे ग्रामीण उसको निकाल के उसको अपने घर में यूज करते हैं। और वहीं अगर बात की जाए, वहां एक दर्जन से ज्यादा लोग वहां पे मौके पे मौजूद है, ऐसे बताया जा रहा है, और जिसमें से 7 लोग की मृत्यु की पुष्टि हो गई है। जी प्रदीप, अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? क्योंकि शाम का वक्त हो चला है, और अगर जल्द ही उन लोगों को नहीं निकाला गया तो रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन क्या जारी रहेगा? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी भी जारी है, और खोजबीन और जो दबे हुए लोग हैं वो अभी भी उसकी खोजबीन जारी है, और ग्रामीण सामने नहीं आ रहे हैं। और एक झील एक ये सामने भी बात आ रही है कि जो खदान होती है वो संचालित जो होती है वो नियमता होनी चाहिए। अगर वहाँ पे इतनी मजदूर, ये भी जांच का एक विषय आ रहा है कि अगर वहाँ पे मजदूर की मौत हुई है छुई खदान में, तो जांच का विषय है, शासन को इस और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और प्रदीप, नजर बनाए रखिएगा तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ सहयोगी प्रदीप, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि तकरीबन 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बाकी लोग अभी फंसे हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन एसटीआरएफ के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये कुछ खदानें जो हैं वो गैर कानूनी हैं और इन पे सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। जाहिर है कि लापरवाही भी है, ये जांच का विषय है।